पाकिस्तान को पालने में सबसे बड़ा हाथ सऊदी अरब का है, लेकिन अब उसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुंह से निवाला छीन लिया है। पाकिस्तान ने एक गलती की और उसके हाथ से 20 अरब डॉलर निकल गए। पाकिस्तान पर यह दुखों का पहाड़ एक बार फिर इमरान खान की वजह से टूटा है। दरअसल इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुके हारून शरीफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान की एक चूक ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान 20 अरब डॉलर से हाथ धो बैठा। आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए अरबों डॉलर के निवेश का वादा किया था। इस योजना के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान में तेल रिफाइनरी सहित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता, लेकिन पाकिस्तान अपनी बेवकूफी के कारण इस निवेश को लाने में नाकाम रहा। इसकी वजह एक ऐसी शर्त थी जिसे पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। दरअसल पाकिस्तान में इतने बड़े निवेश के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ी शर्त रखी थी। सऊदी अरेबिया ने कहा कि वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शर्त पर निवेश करेगा, और वो शर्त थी कि उस योजना में पाकिस्तान के नेता और नौकरशाह दखलंदाजी ना करें। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान के नेता और नौकरशाह इस योजना को ही अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया समझने लगे। पाकिस्तानी नेताओं और नौकरशाहों के इसी लालच को सऊदी अरेबिया समय रहते पहचान गया और उसने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने से मना कर दिया। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं उसका अंदाजा आप इस छोटी सी बात से लगा सकते हैं कि वहां एक ही झटके में पेट्रोल के दामों को 60 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 250 रुपए तक पहुंच गई हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.